चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। पटियाला को संगरूर बरनाला होकर बठिंडा से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। पटियाला से लगभग 125 किलोमीटर पूर्व में बरनाला की ओर से रामपुरा फूर में प्रवेश किया जाता है। बठिंडा जनपद में स्थित जिला मुख्यालय बठिंडा से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में बसा रामपुरा फूल बठिंडा जनपद की 4 तहसीलों में एक है। यहाँ स्थानीय वाहनों को PB40 से पंजीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुरा पिंड चौक पर पहुंचता है। इस चौराहे से दक्षिण की ओर रामपुरा पिंड में प्रवेश किया जाता है। उत्तर की सड़क रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। रामपुरा पिंड चौक पर ही गुरुद्वारा कलगीधर साहिब का परिसर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से पश्चिम की ओर बठिंडा की ओर बढ़ जाता है। वर्तमान में लगभग 68,000 की जनसंख्या वाला यह शहर बठिंडा जनपद में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बठिंडा के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बठिंडा मार्ग मोड़ मंडी त्राहा से होकर रेलवे ऊपरगामी सेतु से होते हुए बठिंडा की ओर प्रस्थान कर जाता है। रामपुरा पिंड चौराहा से उत्तर की ओर प्रवेश करने वाली सड़क शहर में रामपुरा पिंड मार्ग के रूप में जानी जाती है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग को पटियाला मंडी चौक से होकर रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक एवं सामरिक दृष्टि से अपनी विशेष पहचान रखने वाला रामपुरा फूल दक्षिणी पंजाब में तेजी से विकसित होते शहरों में एक है। उत्तर में बढ़ते हुए सड़क रेलवे स्टेशन रामपुरा फूल पर पहुंचती है। रामपुरा फूल से होकर राजपुरा पटियाला धुरी बठिंडा रेलमार्ग गुजरता है। यहां से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अनेकों मुख्य शहरों में आवागमन हेतु रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोड़ मंडी तिराहे के निकट उत्तर की ओर एक और मुख्य सड़क बस स्टैंड रोड के रूप में बस स्टैंड की ओर प्रवेश करती है। कुछ ही दूरी पर यह सड़क मार्ग बस स्टैंड परिसर पर पहुंचता है। रामपुरा फूल बस अड्डा से आसपास के अनेकों शहरों को बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। बस स्टैंड पर स्थित चौराहे को वाल्मीकि चौक के रूप में जाना जाता है। यहां दिन के समय बेहद भीड़भाड़ बनी रहती है। वाल्मीकि चौक से पूर्व की ओर सड़क भारतीय मॉडल स्कूल की ओर एवं उत्तर की ओर सड़क बस स्टैंड मार्ग के रूप में रेलवे स्टेशन की ओर जोड़ती है। बस स्टैंड मार्ग शहर के व्यस्त बाजारों में एक है। रामपुरा फूल 1754 में पटियाला रियासत का हिस्सा बना। देश की आज़ादी के पश्चात यह पेप्सू राज्य में जोड़ा गया। 1956 में पेप्सू राज्य का विलय पंजाब में हो जाने पर यह भारतीय पंजाब राज्य का हिस्सा बना। बस स्टैंड मार्ग पूर्व की ओर मुड़कर रेलवे स्टेशन रोड के रूप में जाना जाता है। यह सड़क रेलवे स्टेशन से होकर फैक्ट्री मार्ग स्थित रेलवे फाटक तक जोड़ती है। बस स्टैंड स्थित वाल्मीकि चौक से पूर्व की ओर प्रारंभ होने वाला भारतीय मॉडल स्कूल मार्ग भी पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों से भरा हुआ है। कुछ वर्षों पूर्व ही रामपुरा फूल, तलवंडी साबो एवं बठिंडा तहसीलों के कुछ गांवों को जोड़कर मोड़ मंडी तहसील का सृजन किया गया है। भारतीय मॉडल स्कूल मार्ग लगभग आधा किलोमीटर लंबी सड़क पटियाला मंडी चौराहा से गुजरते हुए भारतीय मॉडल स्कूल पर जुड़ जाती है। रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर रेलवे फाटक को पार कर सड़क लाइन के पार शहर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह सड़क शहर में फैक्ट्री रोड के रूप में जानी जाती है, जो उत्तर में फूल रोड तक फैली हुई है। पश्चिम की ओर शहर का बैंक बाजार स्थित है। बैंक बाजार रामपुरा शहर का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। इसके उत्तर में गिल बाजार, लहरा बाजार, कचहरी बाजार, फूल बाजार आदि स्थित हैं। बैंक बाजार में अनेकों सुंदर भवन एवं आधुनिक इमारतें दिखाई पड़ती हैं। यह सड़क आगे चलकर उत्तर की ओर मुड़कर आर्य हाई स्कूल मार्ग के रूप में जानी जाती है। आर्य हाई स्कूल मार्ग रेलवे स्टेशन के पिछले द्वार से उत्तर में फूल बाईपास तक फैला हुआ है। रामपुरा फूल बठिंडा जनपद के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय लोग फरीदकोट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। आर्य हाई स्कूल मार्ग से पूर्व की ओर पुराना सिनेमा मार्ग स्थित है। यह सड़क शहीद भगत सिंह कॉलेज एवं पुरानी अनाज मंडी क्षेत्र से होकर गुजरती है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए यह सड़क फूल बाजार से होते हुए गुरुद्वारा मार्ग से होकर उत्तर में फूल पिंड की ओर बढ़ जाती है। रामपुरा फूल जैसे सुंदर शहर में आना और इसे कैमरे में संजोना एक शानदार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें
रामपुरा फूल पर बनाया है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो रामपुरा फूल शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।